गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप एकदम फर्स्ट क्लास मजे में होंगे, राइट? और आपकी पढ़ाई भी एकदम जोरों शोरों से एकदम मस्त तूफान चलती होंगी, राइट? यस सर। सो दोस्तों, आज हम लोग कुछ खास मिले हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और वो क्या है, सीए फाइनल ऑडिट में जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं, हम उन्हें पार्ट बाय पार्ट हम लोग उसे क्लियरली डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, उसे डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी जो अमेंडमेंट्स को लेके जो चिंता थी, अब हम लोग वो दूर कर लेंगे, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ आवर टाइम, आज अभी हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर बहुत 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 ज्यादा, या हम लोग कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत ऐसे बारीक बारीक छोटे छोटे चेंजेस आए गए हैं, अपडेशंस आए गए हैं, अमेंडमेंट्स आई गई है, तो वो चैप्टर हम लोग सबसे पहले उठाते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर आज जो हम लोग लेंगे, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका नाम है क्या? सो हम बात कर रहे हैं आज इस चैप्टर की ऑडिट कमिटी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सो इसका नाम है ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें छोटे छोटे जो जो अमेंडमेंट्स आए हैं, तो वो सारे सारे अमेंडमेंट्स हम लोग कवर करेंगे, और उन अमेंडमेंट्स को हम लोग नोट भी करते जाएंगे, ताकि अपनी एक समरी भी बन जाएगी कि भाई हम लोग को अपने रेगुलर लेक्चर्स के साथ साथ और क्या क्या अपने को अमेंडमेंट्स अपने को कवर करने हैं करके, है ना जी। सो बच्चा, हम लोग बात कर रहे हैं ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। जैसे आप सबको पता ही है व्हाट इज ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो एक बार आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दिला दूं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेट एंटिटी है, उसको बराबर से मैनेज करना चाहिए, उसे डायरेक्ट करना चाहिए, उसे सुपरवाइज करना चाहिए, सो दैट द एंटायर ऑपरेशंस ऑफ द business are work towards the best interest of the stakeholders. Correct? एकदम yes. तो इसीलिए उस corporate entity के ऊपर governance होना बहुत जरूरी है। सही बात है एकदम yes. और इस governance के चलते listing obligations and disclosure requirement September 2, 2015 को ये SEBI द्वारा आपके लिए लागू गए थे। आप companies listed companies हैं तो उनके लिए applicable कर दिए गए थे। Correct? एकदम yes. तो SEBI made applicable what listing obligations and disclosure requirements. SEBI ने क्या applicable किया मेरे बच्चों? So SEBI made what applicable listing obligations and disclosure requirement. We all know the date was what September 2, 2015. क्या है जिसे हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। और इन लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है कि बहुत सारे रेगुलेशंस दिए गए हैं कि जो एक लिस्टेड कंपनी जिसे ये एलओडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, उन्हें ये कंप्लाई करना बहुत जरूरी है। सो दैट इज द बेसिक थीम ऑफ एलओडीआर रेगुलेशंस की कुछ कंपनीज को एप्लीकेबल करा देते हैं, और फिर उन कंपनीज जिसको ये एप्लीकेबल है, उन कंपनीज के लिए बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे रेगुलेशंस है जो उन्हें कंप्लाई करने जरूरी है। सिंपल सी बात है। सो अब क्या होता है कि इसके अंदर अमेंडमेंट नंबर वन हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ एलओडीआर रेगुलेशंस। अब बात करते हैं किसकी भाई, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एलओडीआर रेगुलेशंस की। ये एलओडीआर रेगुलेशंस किसे किसे एप्लीकेबल है, तो हमने क्या कहा था, हमने क्या पढ़ा था कि बॉस एलओडीआर रेगुलेशंस ये कोई भी कंपनी जो लिस्टेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, जो लिस्टेड कंपनी है बराबर, जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो उन कंपनीज को क्या हो जाता है, एलओडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। जैसे हम लोग ने देखा था कि कोई नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज है, फिर परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, परपेचुअल नॉन कन्वर्ट नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स है, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स है बराबर, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स है, ऐसे एक लिस्ट हमने देखी थी कि अगर आप की कंपनी अगर इन सिक्योरिटीज में ट्रेड करती है ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो आपको एलओडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे। अब इस एप्लीकेबिलिटी के लिस्ट में माय डियर फ्रेंड्स एक और चीज उन्होंने ऐड कर दी है, दैट इज द पॉइंट विच वी नीड टू नोट। ये एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो यहां पे हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट जो यहां पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इज व्हाट द सिक्योरिटी रिसीट्स। क्या ऐड किया है यहां पे, सिक्योरिटी रिसीट्स। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहां पे एप्लीकेबिलिटी में आपके लिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि आपके लिए मैं नोट भी करूंगा, तो मैं नोट भी करते जा रहा हूं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एलओडीआर रेगुलेशंस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एलओडीआर रेगुलेशंस। तो इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं
कि सिक्योरिटी रिसीट्स ये ऐड कर दिए गए हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी रिसीट्स। सो अगर आपकी कंपनी क्या करती है बच्चा, अगर आपकी कंपनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे सिक्योरिटी रिसीट्स में अगर ट्रेड करती है तो आपको एलओडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। खत्म हो गई बात एकदम? यस, परफेक्ट एकदम, जी सर। सो यहां से आगे बढ़ते हैं। ये एक बेसिक, मैंने जैसे कहा ना कि चैप्टर एज सच में कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, बट छोटे छोटे पॉइंट्स है कि जहां पे अमेंडमेंट्स लाई गई है। ओके ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ आफ्टर द एलओडीआर रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल, आप ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर द एलओडीआर रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल, हम क्या देखते हैं कि भाई एलओडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो गए तो उन्हें क्या करना है, उन रेगुलेशंस को फॉलो करना है। किन्हें? आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक कंपनी है, बराबर, आप ध्यान दीजिएगा, ये एक कंपनी है। इस कंपनी एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया में, एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया में ये कंपनी फिट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नाउ इन्हें एलओडीआर रेगुलेशंस 2015 आर नाउ व्हाट, एप्लीकेबल। सिंपल सी बात है एकदम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है अपने को। तो इस एलओडीआर रेगुलेशंस के अंदर क्या है, बहुत सारे इश्यूज हैं। इश्यूज मतलब क्या कि बहुत सारे कंप्लायंस कराने की रिक्वायरमेंट्स है, तो ये इश्यूज को इस पर्टिकुलर कंपनी ने पूरा करना है। आई बात समझ में आपको? जी सर। तो इश्यू नंबर वन किसके बारे में बात करता है? सो इश्यू नंबर वन बात करता है अबाउट व्हाट इज द ऑडिट कमिटी, कि हमें एक क्वालिफाइड और इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी चाहिए। दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट इशू वी आर डिस्कसिंग, कि हमें क्या चाहिए, एक क्वालिफाइड और एक इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी चाहिए। आई बात समझ में आपको? सो अब इस क्वालिफाइड और इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी में, मतलब क्वालिफाइड मतलब कौन कौन लोग होने चाहिए, बराबर, कि नहीं, उन्हें क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए, सो उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो बात करते हैं अबाउट व्हाट द क्वालिफाइड, एंड आपको मेरे साथ लिखना है तो आप ये लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, या बाद में इकट्ठा एक साथ लिखना है तो भी लिख सकते हो, इट इज कंप्लीटली योर कॉल। क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी, क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी, किसकी बात कर रहे हैं अपन? क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी। अब आपको तो पता है क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर एक तरीके से रिविजन भी हो जाएगा थोड़ा बहुत, है ना। सो इसके अंदर जब हम लोग बात करते हैं क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी की, तो हम लोग क्या कहते हैं इसके अंदर, इसका कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, आपको याद है क्या इसका कॉम्पोजिशन? यस सर। सो ऑडिट कमिटी के अंदर कम से कम चाहिए कितने लोग? तो इसके अंदर चाहिए 3 लोग। इसके अंदर हम लोग ने क्या बात करी थी कि इन 3 लोगों में से सर 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमिटी शुड बी व्हाट, द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। आई बात समझ में आपको? बट इसके अंदर एक अब छोटा सा ट्विस्ट है, वो हम लोग ने शायद ही रेगुलर क्लासेस में पढ़ लिया है इसको, बट जो बच्चों ने बहुत पहले लेक्चर्स ले रखे हैं तो उनके लिए मैं आपको एक और क्लैरिटी दे रहा हूं कि अगर कोई लिस्टेड एंटिटी, ऑब्वियसली लिस्टेड एंटिटी को एप्लीकेबल होगा, जिनके आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स है, बराबर, तो उनके जो होंगे ना, तो द ऑडिट कमिटी शैल ओनली कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि मतलब आप समझ लीजिएगा यहाँ पे क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी की जब हम लोग बातचीत करते हैं यहाँ पे, तो आप समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपको ऑडिट कमिटी, जब हम लोग बात करते हैं ऑडिट कमिटी की, आपके लिए सिंपल नोटिंग करता हूं, ऑडिट कमिटी यहाँ पे कितने लोग चाहिए? 3 मेंबर्स यहाँ पे आपको चाहिए। आप समझ लेना क्या कहता है कि इट शैल हैव व्हाट, मिनिमम 3 मेंबर्स, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एज मेंबर्स, 3 लोग कम से कम चाहिए, इसमें कोई अपने को दुविधा नहीं है। बट अब इसके अंदर क्या कहता है यहाँ पे, सुपीरियर राइट शेयर। सुपीरियर राइट शेयर्स क्या होते हैं? सुपीरियर राइट शेयर्स मतलब सर जी कि जहां पे हम उन्हें वोटिंग राइट्स देते हैं तो सुपीरियर वोटिंग राइट्स होते हैं उन्हें, ये बेसिकली प्रोमोटर्स के लिए होते हैं, फाउंडर्स के लिए होते हैं। तो वो जो है उन शेयर्स को, ये सेबी ने रिसेंटली एक नए टाइप के शेयर्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, तो कॉल्ड एज दी एसआर शेयर, सुपीरियर राइट शेयर्स, जिनको सुपीरियर वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। ओके ओके, सो अब इसमें क्या बात है ना बच्चा, अब आप ध्यान से सुनना कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी के पास सुपीरियर वोटिंग राइट्स शेयर्स नहीं है,
या किसी कंपनी के सुपीरियर राइट्स वोटिंग शेयर्स है और वो आउटस्टैंडिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके कंप्लायंसेस बहुत सारे हैं, इनका लॉक इन पीरियड होता है कुछ 3 साल का, ऐसे बहुत सारे कंप्लायंसेस है। सो अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं है तो भाई साहब रिक्वायरमेंट क्या है, 2/3 मेंबर्स शुड बी व्हाट, 2/3 मेंबर्स शुड बी व्हाट इंडिपेंडेंट, आई बात समझ में। फिर अगर है तो यहां पे फिर से दो बातें हो जाती है, फिर से दो बातें हो जाती है कि आउटस्टैंडिंग नहीं है और हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग है। सो यहां पे क्या बात होती है, अगर आउटस्टैंडिंग नहीं है तो भी 2/3 से काम चल जाएगा, बट यहां पे जब आउटस्टैंडिंग है कोई भी लिस्टेड कंपनी विच हैज गॉट व्हाट दी आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स, तो उस केस में क्या हो जाता है, सो यहां पे ऑल शुड बी व्हाट, ऑल शुड बी इंडिपेंडेंट। यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, ऑल शुड बी व्हाट इंडिपेंडेंट, सारे के सारे क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने बहुत जरूरी है। सो दिस माय डियर फ्रेंड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, जो हम लोग क्या कहते हैं, अगर किसी कंपनी के आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट्स इक्विटी शेयर्स अगर है तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा उनके सारे के सारे जो ऑडिट कमेटी के मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे होने चाहिए इंडिपेंडेंट। सो यहाँ पे आपका ये एक बेसिक पार्ट खत्म हो जाता है, आप समझ लीजिएगा वो क्या कहते हैं कि अगर किसी कंपनी के हैविंग आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स द ऑडिट कमेटी शाल ओनली कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा। आई बात समझ में आपको, एकदम सिंपल सी बात है जी। उसके बाद तो हम लोग जैसे क्वालिफाइड की बात करते हैं तो हम लोग कहते ही है उसके अंदर, हम लोग क्या कहते हैं बॉस कि बाबा वो लोग जो है वो सारे के सारे फाइनेंशियल लिटरेट होने चाहिए और उसमें का कम से कम एक अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिलेटेड नॉलेज उसके पास होना बहुत जरूरी है। इसका चेयरमैन होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा जो एनुअल जनरल मीटिंग में शेयरहोल्डर्स की क्वेरीज को आंसर करेगा, वो इनवाइटीज हो सकते हैं, वो सारी बातें हम लोग ने यहां पे देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए। सो ये एक बेसिक, एक छोटा सा यहां पे भी अपना, यहां पे अपने को एक अमेंडमेंट दिखता है, आई बात समझ में आपको जी। फिर मीटिंग्स ऑफ ऑडिट कमिटी, ये सब तो एकदम ही सेम है, पावर सेम है, रोल ऑफ ऑडिट कमिटी सेम है, कोई टेंशन नहीं है इधर, जो अपन ने रेगुलर क्लासेस में डिस्कस किया है वो। अब यहाँ पे हेडिंग नंबर आता है 4.5, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार चीज है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, द रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, किसकी बात करते हैं, रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रिजाइन कर देते हैं, बराबर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स अगर रिजाइन कर देते हैं फ्रॉम लिस्टेड एंटिटीज, बराबर, एंड दे आर मटेरियल सब्सिडरीज, सो अगर वो लिस्टेड एंटिटीज में से रेजिग्नेशन दे देते हैं या उनकी लिस्टेड एंटिटी की मटेरियल सब्सिडरी में से अगर वो लोग क्या कर देते हैं, अगर वो लोग स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रेजिग्नेशन देते हैं तो यहाँ पे क्या मामला है, आइए इसको समझते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले तो ऑडिट कमिटी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी हैज टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट रेम्युनरेशन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी। ये हम लोग ने पॉइंट कहां पढ़ा था, ये पॉइंट जो है बेसिकली इसमें कुछ ऐसे खास नहीं है, ये हम लोग को पता है कि दिस इज व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिट कमिटी, हम लोग ने पढ़ा है इसको कि सर व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिट कमिटी, कि ऑडिट कमिटी का काम है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का टर्म, उसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का उसका रोल, उसका टर्म, उसका टेन्योर, ये सारी जो चीजें हैं ये कौन डिसाइड करता है बॉस, तो ये सारी चीजें डिसाइड करता है कौन, ये ऑडिट कमिटी का काम है, एकदम सिंपल सी बात है, परफेक्ट है एकदम। आगे बढ़ते हैं, क्लॉज, ऑडिट कमिटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग द इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिटर्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस। ये भी पॉइंट अपन ने रोल में पढ़ा है, रोल ऑफ ऑडिट कमिटी में, कि उनका परफॉर्मेंस बराबर, उनका कामकाज बराबर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका इंडिपेंडेंस, इसको भी रिव्यू करना बराबर, ये किसका काम है, ऑडिट कमिटी का। तो फर्स्ट टू पॉइंट्स क्लियर है, ऑडिट कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन, उसका टर्म, उसका रिकमेंडेशन, उसका अपॉइंटमेंट, ये सारा काम करती है कौन, ऑडिट कमिटी। ये पॉइंट रिपीट हो चुका है, रोल में से आ गया है। ऑडिट कमिटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस एज वेल एज इंडिपेंडेंस ऑफ व्हाट द ऑडिटर्स। ये भी पॉइंट अपना रोल से आ गया, इसमें भी कोई दुविधा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है,
क्लॉज ए इन पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 3 अंडर रेगुलेशन 32 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस रिक्वायर्स व्हाट, क्या कहता है? अब ये पार्ट जो है अपने लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या कहता है? रिक्वायर्स डिटेल्ड रीजंस टू बी डिस्क्लोज्ड बाय द लिस्टेड एंटिटीज टू स्टॉक एक्सचेंजेस इन केस ऑफ रेजिग्नेशन बाय द ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी as soon as possible but not later than 24 hours of receipt of such reasons from the auditor. आई बात समझ में? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम लोग को यहाँ पे सीखने मिलती है. अब क्या होता है कि यहाँ पे सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस क्या कहता है कि उन लिस्टेड एंटिटीज ने डिटेल्ड रीजंस देने हैं. बराबर, किसको देना है? स्टॉक एक्सचेंज को. डिटेल्ड रीजंस देने हैं किसको? स्टॉक एक्सचेंजेस को, अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर की क्यों करा, क्या किया, वो पूरे रीजंस उनको देने हैं. अब कब देने हैं? एज सून एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 24 आवर्स. 24 घंटों के अंदर. 24 आवर्स बेटा, 24 आवर्स. एक तो एज सून एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 24 आवर्स फ्रॉम द रिसीट ऑफ द रीजंस फ्रॉम द ऑडिटर. अब आपको पता होगा हम लोग ने एक सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 अपन ने पढ़ा था कि जब वहां पे ऑडिटर रिजाइन करता है तो ऑडिटर इज सपोज टू गिव द रीजंस टू द ऑडिट कमिटी, दैट इज टू द कंपनी एज वेल एज व्हाट. आपको याद है ना, अपन ने पढ़ा था ये सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 2. यस. और अगर वो रीजंस नहीं देता है, तो उस समय पे क्या हो जाएगा? अगर वो रीजंस नहीं देता है तो वो सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 3 एक्टिवेट हो जाता है. यस, यू रिमेंबर? ये वेरी गुड. सो यहां पे विद इन 30 डेज ऑडिटर ने क्या करना है? उसने ऑब्वियसली बात है उसने ये रीजंस देने हैं. तो जैसे कंपनी को वो रीजंस मिल जाते हैं ना, तो उस समय पे कंपनी ने क्या करना चाहिए? कंपनी ने जैसे ही रीजन आया, नॉट लेटर देन 24 आवर्स, इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 24 आवर्स, उसने क्या करना चाहिए? वो स्टॉक एक्सचेंज तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा देनी चाहिए. आई बात समझ में आपको? सो यहां पे अपने को एक थर्ड पॉइंट यहां पे अपने को सीखने मिलता है. बराबर, जो हम लोग बात कर रहे हैं, बराबर थर्ड पॉइंट वो हम लोग कहते हैं रेजिग्नेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर. रेजिग्नेशन बाय हू? स्टैट्यूटरी ऑडिटर. तो क्या कहना है यहां पे अपने को? सो यहां पे अपना जो पॉइंट है, टू इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज एज सून एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 24 आवर्स फ्रॉम the receipt of reasons from auditor. तो ये एक पॉइंट अपने को यहां पे नया सीखने मिलता है. बराबर, कि लिस्टेड एंटिटी को एलओडीआर रेगुलेशंस के अंतर्गत क्या करना पड़ता है बॉस? तो उन्हें हमें, मतलब स्टॉक एक्सचेंज को, reasons as soon as possible but not later than 24 hours में ये देना है. ये एक बात अपने को सीखने मिलती है. सेकेंड पॉइंट क्या कहता है यहां पे, ये और ऐड होता है. रेगुलेशन 36(5) ऑफ द सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस लेज डाउन सर्टेन डिस्क्लोजर्स बी मेड पार्ट ऑफ द नोटिस टू शेयर होल्डर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग. सो आपने क्या करना है यहां पे? आपने क्या करना है? नोटिस टू शेयर होल्डर्स फॉर एन एनुअल जनरल मीटिंग वेयर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स आर प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड रीअपॉइंटेड इंक्लूडिंग द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट. तो एक नोटिस भी आपने देना है किसको? कुछ सर्टेन डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं, वो आपको एलओडीआर रेगुलेशंस बोलता है कि वो आपने नोटिस टू एजीएम में देना है. इन द लाइट ऑफ द अबव कंडीशंस, और क्या क्या बात होती है अब देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. In the light of the above conditions to be complied with upon resignation of the statutory auditor of the listed entity or material subsidiary, यहाँ पे आपको with respect to limited review या audit report as per RS under, आप ध्यान से देखना, the
conditions to be complied with upon resignation of the statutory auditor of a listed entity with respect to limited review or audit report, इसके बारे में कुछ conditions दी गई है. So ये हम लोग यहाँ पे discuss कर रहे हैं. So ये focus करिएगा, this is very important. Conditions with respect to limited review or audit report, obviously ये कब है? Upon the resignation of the auditor. अब यहां पे focus करना बहुत 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 interesting चीज है. So यहां पे first point, अब उसने कब resignation दिया? तीन अपन ऐसे करते हैं इसको, एबीसी लिखने से अच्छा अपन इसका ऐसा एक अपना जोरदार वाला जो अपनी आदत है अपन वैसा काम करते हैं ना बॉस. सो यहां पे तीन कंडीशंस दे रखे हैं बराबर. तो वो तीन कंडीशंस क्या है वो अपन देखेंगे कि उसने कब रिजाइन किया. उसके हिसाब से वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने क्या काम करना है वो अपने को देखना है. तो यहां पे ये तीन कंडीशंस है, 1, 2 and 3. सो क्या कहता है ध्यान से देखना. So if the auditor resigns within 45 days from the end of the quarter, within 45 days from the end of the quarter, अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या हुआ? एक quarter खत्म हो गया, समझ पा रहे हो? First quarter खत्म हो गया बराबर. अब first quarter खत्म होने के बाद 45 days के अंदर अंदर अगर उसने resignation दे दिया है तो before such resignation he is supposed to issue either limited review or audit report for that particular quarter. आई बात समझ में आपको? तो यहां पे उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई तू एक क्वार्टर तो था ना, तू तो रेजिग्नेशन दे रहा है, कोई टेंशन नहीं है, तू दे दे रेजिग्नेशन बराबर. बट जाने के पहले तू उस क्वार्टर का लिमिटेड रिव्यू या उस क्वार्टर के ऊपर अपनी ऑडिट रिपोर्ट तू दे के चले जा, खत्म हो गई बात. ये एक पॉइंट अपन यहां पे सीखते हैं. सो क्या कहते हैं कि रेजिग्नेशन विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर. तो यहां पे क्या करना है अपने को, he is supposed to give what? Limited review or audit report for first quarter. आई बात समझ में आपको? एकदम सिंपल सी बात है सर जी. अब सेकंड क्या कहता है ध्यान से देखना. If he resigns After 45 days, अब आपको obviously query आ रही होगी कि सर after 45 days हुआ तो क्या? तो भाई साहब वो क्या बोलता है, after 45 days of the end of the quarter of a financial year, so before such resignation issue limited review or report for such quarter as well as the next quarter. मतलब जिस quarter में जिस quarter मतलब वो quarter का एक खत्म हो गया, आप समझो बात को, मतलब first quarter is over. फर्स्ट क्वार्टर इज ओवर. नाउ आफ्टर ओवर ऑफ फर्स्ट क्वार्टर उसने 50th डे पे क्या दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया. सो अब इस घड़ी इस समय क्या होगा कि उसने फर्स्ट क्वार्टर का तो लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट देना ही है, साथ ही साथ उसने सेकेंड क्वार्टर का भी लिमिटेड रिव्यू या ऑडिट रिपोर्ट उसने देना है. आई बात समझ में आपको? एकदम ही सिंपल सी बात है सर, डन एकदम. सो यहां पर क्या कहता है, resignation after 45 days from the end of quarter. So यहां पे अपना आंसर क्या होगा, limited review or audit report for that as well as
नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब जिस क्वार्टर में उसने रेजिग्नेशन दिया वो क्वार्टर का भी उसने क्या देना है, उसने भाई क्या करना है, ऑडिट रिपोर्ट या लिमिटेड रिव्यू दे देना है। अब आखिरी क्या बचता है कि अगर उसने तीन क्वार्टर, इफ द ऑडिटर हैज साइंड, ध्यान से देखना, पढ़ना सुनना समझना, इफ द ऑडिटर हैज साइंड द लिमिटेड रिव्यू और द ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट थ्री क्वार्टर्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बराबर, एंड बिफोर सच रेजिग्नेशन इश्यू द लिमिटेड रिव्यू फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर एज वेल एज द ऑडिट रिपोर्ट फॉर सच फाइनेंशियल ईयर। तो उसने क्या करना है, इफ ही हैज ऑलरेडी गिवन, क्या लिखना है यहां पे अपने को, कि इफ द ऑडिटर हैज साइंड द लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट थ्री क्वार्टर्स, और अगर वो रेजिग्नेशन दे देता है, सो ही इज सपोज टू गिव व्हाट, एलआर मतलब लिमिटेड रिव्यू, सो ही इज सपोज टू गिव व्हाट, लिमिटेड रिव्यू फॉर लास्ट क्वार्टर एज वेल ऑल्सो ऑडिट रिपोर्ट, लिखा है यहां पे एज वेल एज, ऑल्सो ऑडिट रिपोर्ट फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। आई बात समझ में? सो ये कंडीशंस है आपके विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, दीज आर द कंडीशंस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट। बात पहुंची आप तक? एकदम सिंपल सी बात है। सो ये एक कुछ नया इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि ऑडिटर ने रेजिग्नेशन देना है, दे दो। जैसे ऑडिटर से रीजंस मिलते हैं, पॉइंट नंबर वन हमने क्या देखा, एज सून एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 24 आवर्स आपने स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन पहुंचा देनी है। सेकंड, ऑडिटर के ऊपर क्या कंडीशन है विद रिस्पेक्ट टू लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट, इस पॉइंट नंबर वन, फर्स्ट क्वार्टर एंड होता है और उसके 45 डेज के अंदर अंदर अगर वो रेजिग्नेशन दे देता है तो उसने क्या करना है, जिस क्वार्टर तक तो वो था, जिस क्वार्टर में उसने काम किया है उसका उसने लिमिटेड रिव्यू या ऑडिट रिपोर्ट देना है। अगर वो 45 डेज के बाद अगर वो रेजिग्नेशन देता है तो उस क्वार्टर का प्लस नेक्स्ट क्वार्टर का भी उसने रिव्यू देना है, और अगर वो तीन क्वार्टर का ऑडिट रिपोर्ट लिमिटेड रिव्यू कर चुका है साइन, तो उसने लास्ट क्वार्टर का भी देना है रिव्यू और पूरे फाइनेंशियल ईयर के ऊपर भी उसने ऑडिट रिपोर्ट देना जरूरी है। सिंपल सी बात थी सर यहाँ पे। तो अदर कंडीशन रिलेटिंग टू रेजिग्नेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एकदम ही सिंपल सी है, एकदम अच्छे से ध्यान से देखना। देखो आप इतना बड़ा बड़ा कंटेंट है, पेजेस इतने ज्यादा है सर, इतना एक एक दो दो पेजेस के अमेंडमेंट्स अपडेशंस आए हैं, इसको देख के डरना नहीं है अपने को, एकदम रिलैक्स मोड पे, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही इजी अमेंडमेंट्स है इसमें, ठीक है ना। सो अदर कंडीशंस, अब क्या कहता है ध्यान से देखना सुनना समझना, रिपोर्टिंग कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू लिस्टेड एंटिटी इट्स मटेरियल सब्सिडरी टू द ऑडिट कमिटी। अब ध्यान से देखना, रिपोर्टिंग कंसर्न्स टू द ऑडिट कमिटी, मतलब इसका पहले हेडिंग समझ लो आप, हेडिंग बॉडी में जाना बहुत जरूरी है, मतलब जब ऑडिटर का रेजिग्नेशन होता है या होने वाला है उस समय पे ऑडिट कमिटी को क्या क्या रिपोर्टिंग करना चाहिए उसके बारे में बात हो रही है। ऑब्वियसली किसे एप्लीकेबल होगा, लिस्टेड एंटिटी एज वेल एज द मटेरियल सब्सिडरी, उसकी लिस्टेड एंटिटी की मटेरियल सब्सिडरी, ठीक है ना। हाँ जी, So, अब आप समझने की कोशिश कीजिए, रिपोर्टिंग कंसर्न्स टू हूम, ऑडिट कमिटी, कि जब कभी, मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, सेकेंड पॉइंट यहां पे लिखता हूं, सेकेंड पॉइंट यहां पे, कि यहां पे रिपोर्टिंग कंसर्न्स टू ऑडिट कमिटी, क्या कह रहे हैं अपन यहाँ पे, रिपोर्टिंग कंसर्न्स टू ऑडिट कमिटी, जब रेजिग्नेशन होता है उस समय की बात हो रही है। आई बात समझ में, कि ऑडिट कमिटी को क्या क्या रिपोर्ट करना जरूरी है, क्या क्या रिपोर्ट अपन करेंगे, किसको, ऑडिट कमिटी को। ओके चलो, सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा सुनिएगा और समझ भी लीजिएगा, एकदम सिंपल से पॉइंट है, मतलब आप इतना टेक्स्ट देख के आपको डर लगेगा, रिलैक्स। देखो फर्स्ट पॉइंट, In case any concern with the management, अगर first क्या है, concern with the management, management का कोई issue है क्या, क्या issue हो सकता है साहब, भाई information नहीं provide कर रहे,
कोऑपरेशन नहीं कर रहे, बराबर, जिसके वजह से अपना ऑडिट प्रोसेस हैम्पर हो रहा है। मैनेजमेंट क्या इशू क्रिएट करेगा कि बाबा वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है या वो कोऑपरेशन नहीं कर रहा है, बराबर, जिसके वजह से अपना ऑडिट प्रोसेस हैम्पर हो रहा है, बराबर। तो उस समय पे क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहां पे ऑडिटर शाल अप्रोच द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड ऑडिट कमिटी शाल रिसीव सच कंसर्न डायरेक्टली एंड इमीडिएटली विदाउट स्पेसिफिकली वेटिंग फॉर द क्वार्टरली ऑडिट कमिटी मीटिंग्स। मतलब ताबड़तोड़ इमीडिएटली उस कंसर्न के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आई बात समझ में आपको? सो यहां पे फर्स्ट अपन क्या देखते हैं, यहां पे फर्स्ट पॉइंट अपन यहां पे देखते हैं कंसर्न्स, क्या बोलना है आपने को, कंसर्न्स विद द मैनेजमेंट, कंसर्न मतलब इशू मतलब प्रॉब्लम, कंसर्न विथ मैनेजमेंट। कंसर्न क्या हो सकता है बॉस, कंसर्न क्या हो सकता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉन कोऑपरेशन, और जिसके वजह से अपना ऑडिट प्रोसेस अफेक्ट हो रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ऑडिटर टू क्या लिखेंगे, प्रॉपर वर्ड, टेक्निकल वर्ड क्या है वही लिखता हूं, ऑडिटर टू अप्रोच चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी एंड ऑडिट कमेटी शाल एड्रेस दैट कंसर्न डायरेक्टली एंड इमीडिएटली। डन एकदम। सो दिस इज द फर्स्ट, अगर अपन रेजिग्नेशन दे रहे, देखो अपन को जब आप समझो बात को सर, यहां पे आप बोलोगे रेजिग्नेशन की क्या बात आ गई और इसमें कुछ सर क्लिक नहीं हुआ। अगर आप समझ रहे हो बात को कि जब हम लोग एसए नंबर 705 भी पढ़ते हैं तो हम लोग कभी भी डायरेक्टली डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नहीं देते। अपन क्या करते हैं दोस्त कि सबसे पहले अपन मैनेजमेंट को बोलते हैं कि भाई एक लिमिटेशन आ रहा है, वो लिमिटेशन को तू हटा दे करके। मैनेजमेंट अगर फिर भी नहीं मानता है तो फिर अपन क्या करते हैं, अपन उस समय पे ऑडिट कमिटी के पास जाते हैं और ऑडिट कमिटी को बोलते हैं भाई मैनेजमेंट है ना लिमिटेशन लगा रहा है, बराबर। या अपन TCWG के पास जाते हैं, अपन ने पढ़ा होगा एसए 705 के अंदर, तो अपन उनके पास जाते हैं हायर अथॉरिटी के पास और बोलते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, कोऑपरेशन नहीं हो रहा है, जिसके से अपना ऑडिट प्रोसेस अफेक्ट हो रहा है। तो उस समय पे अपन क्या करते हैं, हायर अथॉरिटीज के पास जाते हैं, और अगर वहां भी अगर अपनी बात नहीं बनती है तो अपने पास ऑप्शन क्या होता है, अपने पास ऑप्शन होता है रेजिग्नेशन देने का। और अगर रेजिग्नेशन पॉसिबल नहीं है तो उस समय पे अपन क्या देते हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन अपन दे देते हैं। आई बात समझ में आपको? तो ऐसी बात है यहाँ पे कंसर्न विद द मैनेजमेंट कि अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो ऑडिटर ने पहले अप्रोच करना है किसको, चेयरमैन या चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी को, और फिर वो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेगा। ऐसा नहीं कि रुको अपनी मीटिंग होगी फिर डिस्कस करेंगे फलाना डिम करना, नहीं, इमीडिएटली। So that is the first point. Simple सी बात थी एकदम। Very good sir. बहुत ही मजा आ गया इसके अंदर। Second point. अगर फिर भी auditor साहब बोलते हैं कि he proposes to resign, फिर भी बोलते हैं अभी अभी क्या हमारा query solve नहीं हुआ ना boss, तो दिक्कत है। So if the auditor proposes to resign, so all concerns, क्या कहते हैं, all concerns with respect to the proposed resignation with relevant document shall be brought to the notice of the audit committee. If the proposed resignation is due to non-receipt, आप क्यों resignation दे रहे हो? Is due to non-receipt of information explanation from the company, the auditor shall inform the audit committee of the details of information explanation sought and not provided by the management as applicable. आई बात समझ में? मतलब फिर भी auditor बोलता है, still he wants to what? Resign. Second point क्या कहता है? Auditor proposes to resign. So, इस समय पे क्या हो जाएगा, यहां पे
ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स शैल बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑडिट कमिटी. आई बात समझ में आपको? सो ऑडिट कमिटी को हम लोग ये तुरंत बता देंगे. और फिर से ये पार्ट तो सेम है, ड्यू टू अगर नॉन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन वगैरह है तो ये हम लोग उन्हें बता देंगे. ओके, अब ऑन रिसीट ऑफ सच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑडिटर रिलेटिंग टू द प्रपोजल ऑफ रेजिग्नेशन एज मेंशन्ड अबव, ऑडिट कमिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन केस अगर ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल नहीं है तो देन शैल डेलिबरेट ऑन द मैटर एंड कम्युनिकेट इट व्यूज टू द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर. सो फिर उसके बाद वो उनके व्यूज बता देंगे. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब वो क्या है कि भाई क्यों इंफॉर्मेशन नहीं, कैसे क्या है, एंड फिर कहानी आगे ऐसे बढ़ेगी. डन एकदम. सिंपल सी बात ही है. फिर लास्ट में डिस्क्लेमर इन केस ऑफ व्हाट नॉन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कि अपने को अगर इंफॉर्मेशन तब भी नहीं मिलती है तो हम लोग ने तो क्या करना है भाई, हम लोग ने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देना है. सो इसके बाद क्या कहते हैं, इन केस द ऑडिटर हैज ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड, तो क्या कहते हैं, द लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर दैट द कंडीशन मेंशनड अबव इन ए एंड बी आर इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट. इन केस द ऑडिटर, तो लेटर द प्रैक्टिसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रैक्टिसिंग सीएस शैल सर्टिफाई द कंप्लायंस बाय लिस्टेड एंटिटी ऑन अबव इन द प्रिस्क्राइब्ड एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट. क्या वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में आपने वो चीजें ऐड करी के नहीं करी, उसके बारे में आपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में आपने डाल देना है. खत्म हो गई बात. यस ओके. फिर उसके बाद ये थर्ड वाला पॉइंट आ जाता है, ये भी एक ऑब्लिगेशंस ऑफ द लिस्टेड एंटिटी कि किस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन देना है, और ऑब्वियसली उन्हें कोऑपरेशन करना है, और डिस्क्लोजर उनके व्यूज टू स्टॉक एक्सचेंजेस जो अभी तक अपन ने पढ़ा है. आई बात समझ में आपको? राइट. यस ऑब्वियसली ये रेजिग्नेशन के समय पे एप्लीकेबल है, अगर वो डिस्क्वालिफाइड है तो ऑब्वियसली उस समय पे ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे नहीं. ये अपन ने सबसेक्शंस भी पढ़ लिए है, ये भी हो गया है अपना ऑडिट कमिटी, रोल ऑफ ऑडिट कमिटी ये भी पढ़ा है अपन ने, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. हाँ जी, तो अब ये बात करते हैं अभी अपन, रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. इसके बारे में अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ है कि हम लोग क्या कहते हैं कि जब क्या कहते हैं कि कंपनी का अगर एक नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर चेयरमैन है कंपनी का, नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर चेयरमैन है उस कंपनी का, तो 1/3 ऑफ द बोर्ड विल कंप्राइज ऑफ व्हाट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. बट इन अदर केसेस जहां रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है या एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, तो उस केस में हम लोग ने क्या कहा था कि एटलीस्ट 1/2 ऑफ द बोर्ड शुड बी ऑफ व्हाट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. ऐसी कुछ अपनी बात हुई थी. बोलो यस और नो. यस, ये तो आपको सबको पता है, ये सारा पार्ट अपन ने डिस्कस कर लिया था इसमें. बट अब इसके अंदर क्या बात होती है इंपॉर्टेंट, the chairperson of the board of top 500 listed entities, बराबर क्या कहते हैं, the auditor shall ensure that the chairperson of the board of top 500 entities is a non-executive director, not related to the managing director or chief executive officer as per the definition of the term relative. अब आप समझने की कोशिश कीजिए, next point पे आते हैं अपन, फिर उसको नोट करेंगे. थर्ड फोर्थ पॉइंट जो अपन अमेंडमेंट का फोर्थ पॉइंट अपन देख रहे हैं यहां पे, ये हेडिंग अपना क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. Requirement of the presence of independent directors. एकदम सिंपल सी बात है. सो यहाँ पे requirement of the presence of independent directors में अपन क्या कहते हैं, आपको पता होगा, if you remember, आपके लिए note करूँ कि सिर्फ amendments note करें.
सर सिर्फ अमेंडमेंट्स नोट करते हैं, हमें को ऐसा लगता है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कि देखिए जब रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जब चेयरमैन होता है ना, इंडिपेंडेंट रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर चेयरमैन होता है, तो वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड शैल बी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। बट जब आपका डज नॉट हैव अ रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, वन हाफ चाहिए। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है बट वो प्रोमोटर ऑफ द कंपनी और रिलेटेड टू द प्रोमोटर और एटसेट्रा एटसेट्रा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नॉन इंडिपेंडेंट हो गया। मतलब वो नॉन एग्जीक्यूटिव है बट वो नॉन इंडिपेंडेंट हो गया, उस केस पे भी आपको वन हाफ चाहिए, सिंपल सी बात है। सो यहां पे आप समझ लीजिएगा, अगर वो और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो भी हाफ चाहिए। बट इन सब में क्या कहता है कि भाई टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज, अपन क्या कहते हैं टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज, इस केस के अंदर इन टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज चेयरपर्सन कौन होना चाहिए? एक तो वो होना चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव और दूसरा नॉट रिलेटेड टू, कौन से लोग बोले उसने नॉट रिलेटेड टू? सो पॉइंट नंबर वन, मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नॉट रिलेटेड टू मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब वो नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट ही चाहिए, सिंपल सी बात है। आई बात समझ में आपको? सो दैट इज व्हाट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टॉप 500 ऑब्वियसली बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज की बात हो रही है यहाँ पे। ये सारी बात हो गई, फिर ये पॉइंट्स तो अपने सिंपल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये अपने डिस्कस भी करा हुआ है, बस आपको फिर से एक बार याद दिलाने के लिए मैं आपको बता दूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज शैल हैव एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर, एक कम से कम वुमन डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है। टॉप 1000 इज ऑब्वियसली बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। नो लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट अ पर्सन और कंटिन्यू द डायरेक्टरशिप एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 75 इयर्स अनलेस स्पेशल रेजोल्यूशन हैज पास्ड टू दैट इफेक्ट। मतलब कोई भी व्यक्ति जो 75 इयर्स ऑफ एज के ऊपर हो गया है, आप समझ लीजिएगा वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकता है जब तक उस कंपनी का स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो जाता तब तक। आई बात समझ में? मैक्सिमम डायरेक्टरशिप क्या कहते हैं? अ पर्सन शैल नॉट बी डायरेक्टर फॉर नॉट मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज, बराबर, इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप। द डायरेक्टर्स ऑफ लिस्टेड एंटिटी शैल कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशंस: not be a director for more than 7 listed entities, 7 listed entities specifically private में बन सकते हैं, but 7 listed entities के ऊपर ही requirement restriction है, provided that the person shall not serve as an independent director for more than 7 listed entities, provided that a person shall not serve as independent director for more than 7 listed entities, okay? Notwithstanding above, any person who is serving as a whole-time director, managing director in any of the listed entity shall serve as an independent director in not more than 3 listed entities. अब आप समझने की कोशिश कीजिए क्या कहता है, a person shall not be a director for not more than 7 listed entities. तो 7 listed entities में वो director बन सकता है, not more than that. Provided that a person shall not serve as an independent director for more than 7 listed entities, तो इन 7 के साथ में वो independent भी हो सकता है, but 7 से ज्यादा नहीं। Notwithstanding above, ऊपर का सब छोड़ दो, any person who is serving as a whole time director or managing director in any of the listed entity, इनमें अगर वो MD या whole time director अगर है, तो ही शैल सर्व एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर नॉट मोर देन 3 लिस्टेड एंटिटीज। तो नॉट मोर देन 3 लिस्टेड एंटिटीज में वो इंडिपेंडेंट बनेगा। आई बात समझ में? अगर वो 7 में से किसी में भी
अगर वो मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर है तो वो 3 से ज्यादा कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है। अब आप ये पूछेंगे सर ऐसा क्यों किया उन्होंने, सिंपल सी बात है, अगर वो तीन मतलब किसी भी कंपनी में भाई वो अगर वो होल टाइम डायरेक्टर है मैनेजिंग डायरेक्टर कामकाज बहुत होगा ना उसके पास, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी होती है, तो इसके लिए भाई उसको बोला 3 से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 3। आई बात समझ में आपको? यस। टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी शैल कंप्राइज ऑफ नॉट लेस देन 6 डायरेक्टर्स। टॉप 2000 इज बेस्ड अपॉन व्हाट? मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कम से कम 6 डायरेक्टर होने जरूरी है टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज में। आपके लिए नोट करें, नोट कर देता है, वेरी गुड। चलिए एवरीबॉडी नाउ फोकस। So this is what is the requirement in case of what? Top 1000, top 2000, age restriction, maximum directorship, इसके बारे में बातचीत हो रही है। तो ये आपके लिए नोटिंग कर दिया, सिंपल सी बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स, हो गया, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। अप्रूवल ऑफ रेम्यूनरेशन ये सेम है, स्टॉक ऑप्शन सिंपल सी बात है। ये मेंबरशिप चेयरमैनशिप का, इसमें कंफ्यूज मत होना, मेंबरशिप चेयरमैनशिप 10 कमिटी का वो मेंबर बन सकता है एंड 5 का क्या हो सकता है वो ये बन सकता है चेयरपर्सन, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। वो डायरेक्टरशिप का रिस्ट्रिक्शन है, ये मेंबरशिप और चेयरमैनशिप का रिस्ट्रिक्शन है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। डायरेक्टरशिप सिर्फ 7, बट मेंबरशिप चेयरमैनशिप में 10 कमिटीज का चेयरमैन बन सकता हूं, 5 कमिटीज का मैं चेयरमैन बन सकता, 10 कमिटी का मेंबर बन सकता हूं, सॉरी 10 कमिटीज का मेंबर बन सकता हूं और 5 कमिटीज का क्या बन सकता हूं, चेयरपर्सन बन सकता हूं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कंफ्यूज मत होना।
मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपको तो पता है कि मीटिंग्स 31st मीटिंग उनकी कब होनी चाहिए. सो द फर्स्ट मीटिंग शुड बी डन विद इन 30 डेज, और उसके बबाद साल में उन्होंने कम से कम 4 मीटिंग्स होल्ड करनी चाहिए और 2 मीटिंग्स के बीच में 120 डेज से ज्यादा का गैप होना नहीं चाहिए. बट अब यहाँ पे हम एक अगला अमेंडमेंट लेते हैं, अमेंडमेंट नंबर 6, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो अब क्या कहता है, इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 शाल अप्लाई ओनली टू एक्सटेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सच कंपनी शाल होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग विद इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स. क्या कहता है, शाल अप्लाई ओनली टू द एक्सटेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सच कंपनी शाल होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग विद इन एवरी सिक्स कैलेंडर मंथ्स. तो यहां पे 173 सबसेक्शन 1 की जो बात हो रही है, सो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज, मीटिंग टू बी हेल्ड एटलीस्ट वंस इन 6 कैलेंडर मंथ्स. आई बात समझ में. एंड दूसरा IFSC, सो यहां पे IFSC पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, इट शैल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग विद इन 60 डेज of its incorporation and at least 1 meeting of the in half of the calendar year. मतलब सेम, बट फर्स्ट मीटिंग क्या कहते हैं यहां पे, IFSC companies, public or private, doesn't matter. First meeting within 60 days after that at least 1 meeting in 6 calendar months, मतलब half of the year. ये एक पार्ट यहाँ पे छोटा सा ऐड हुआ है. ये ऐसे 250 तो अपन पढ़ते ही है, सारे लॉज एंड रेगुलेशंस कंप्लाई करना है, कोड ऑफ कंडक्ट कंप्लाई करना है, विजिल मैकेनिज्म, विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, सब्सिडियरी कंपनीज, सेक्रेटेरियल ऑडिट. सो एवरी, ये एक नया यहाँ पे रेगुलेशन 24 ऐड हुआ है, यहाँ पे रेगुलेशन 24A. So, यहां पे सेक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ेगा एवरी लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटेरियल सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया शैल अंडरटेक सेक्रेटरियल ऑडिट. सर व्हाट इज सेक्रेटरियल ऑडिट, कंपनी सेक्रेटरीज क्या करते हैं, जो भी लीगल कंप्लायंसेस उन कंपनीज को करने पड़ते हैं, उन कंपनीज के कंप्लायंसेस पूरे हुए या नहीं हुए उसको चेक करना, वो सेक्रेटरियल ऑडिट में करता होता है, विच इज डन बाय अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस. आई बात समझ में आपको, डन. So, एक सेक्रेटरियल ऑडिट बाय प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन वेरिएशन वी ऑल नो, डिस्क्लोजर्स ये देने हैं, इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स ये हो गया. हाँ, अब फिर से बेसिक चेंज किस में आया है, SRC में, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी में. फिर उसके बाद नॉमिनेशन एक एक बता देता हूं, अभी आउटस्टैंडिंग इससे रिलेटेड ही है. जैसे कॉम्पोजिशन में हम लोग कहते हैं 3 डायरेक्टर होना चाहिए विद वन एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बट यहां पे क्या कहता है, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स, सो 2/3 ऑफ द कमिटी शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. इसमें क्या कहता है, 3 डायरेक्टर्स चाहिए अपने को. इसमें क्या चाहिए अपने को, what we want is 3 directors,
विद एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, है ना। तो यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर अपने को वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए तो यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, टेंशन नहीं, 6, 7, 8 एसआरसी में नॉर्मली अपन क्या कहते हैं, यहां पे अपने को चाहिए 3 डायरेक्टर्स विथ 1 इंडिपेंडेंट, बट यहां पे 1 इंडिपेंडेंट में क्या हो जाता है, अगर आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स अगर है, सो आपको कितने चाहिए, यहां पे हमने क्या कहा कि व्हाट वी वांट इज 2/3, एटलीस्ट टू थर्ड शुड बी व्हाट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सो यहां पे अपन कुछ चाहिए एटलीस्ट 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सेम यहां पे एसआरसी के बाद अपन ये ट्रांसमिशन तो हो गया अपना, कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी सिंपल है, अदर डिस्क्लोजर्स। अब अपने को रिस्क मैनेजमेंट कमिटी में भी ऐसा ही अपने को दिखता है, जहां पे हम लोग क्या कहते हैं, द मेजोरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, हाउएवर इन केस द लिस्टेड एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल कंप्राइज ऑफ व्हाट, द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो सेम यहां पे मैं लिखता हूं रिस्क मैनेजमेंट कमिटी में ये देखो कितना फास्ट लिखता हूं, समझा, खलास। तो ये आरएमसी में भी वैसा ही मामला होगा, एनआरसी में भी वही मामला होगा, यहां दोनों का एक साथ लिख देता हूं, आरएमसी एंड नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी में भी, इसमें भी यही है, देखो आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट 2/3 शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें वोटिंग राइट्स मिलते हैं ना, तो उनका वो लोग ज्यादा नहीं हो पाएंगे वहां पे, ऐसा ऑडिटर सर्टिफिकेट एडवर्स क्वालिफाइड खत्म खलास। तो ये जो थे माय डियर फ्रेंड्स, ओ माय गॉड, तो ये बेसिक अमेंडमेंट्स थे किसके अंदर, तो दीज वर द बेसिक अमेंडमेंट्स इन व्हाट, ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो जल्दी अपन मिलेंगे, और एक सेशन अपन लेंगे, ऐसे ही सेशंस में अपलोड करते रहूंगा, और एक अपन सेशन लेंगे जहां पे पीयर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू के जो अमेंडमेंट्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो नए लगे तो वो पूरा चैप्टर में अपलोड कर दूंगा, डिपेंड करता है कैसा, और कंपनी ऑडिट में भी कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट्स अगर होंगे तो वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो अभी ये अमेंडमेंट्स को एंजॉय करो, कैसे लगा आपको ये लेक्चर प्लीज मुझे बताना कमेंट्स में, जरूर इस वीडियो को लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, बिकॉज ये अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर व्यूज नॉट फॉर एनीथिंग, बट ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए जरूर इसको आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मेक श्योर दे हैव कवर्ड दिस ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अमेंडमेंट्स, राइट। थैंक यू वेरी मच गाइज, होप इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, यू एंजॉयड इट, लव यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।